बाय द वे एक बात बताऊं तुम्हें, कितनी भी तैयारियां कर लो पर आज अपना सर्कस कर नहीं पाओगी तुम। सर्कस में ना जोकर हिस्सा लेते हैं, तुम्हारे साथ किसी भी सर्कस में हिस्सा लेने का मुझे कोई शौक नहीं। मैं बस वो करना चाहती हूँ जिससे माँ को खुशी मिले, बाकी देखते हैं। Come on Adi, join me. You know what? आज का दिन मुझे memorable बनाना है. So start करें celebration champagne के साथ. Sure. अरे रेनू कहाँ हो तुम? पूरे परिवार को गोद भराई के फंक्शन की बहुत बहुत बधाई. सुमित्रा वो फिर से प्रकट होगी तिवारी जी के घर में. साध्वी जी का चोला पहन के कोई नया नाटक करने वाली हो जीजी? अरे गौतम तुम क्या कर रहे हो गोद भराई में? लेडीज फंक्शन होता है, चलो जाओ यार. मैं यहाँ गोद भराई में नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बेबी शावर की पार्टी में आया हूँ जो कि मेरे दोस्त ने ऑर्गेनाइज की है. आदि आजा. मेरा भाई. हाय. तुम गॉर्जियस. थैंक यू. चलो ड्रिंक बना दो. चल अच्छा. नए नक्श तो भगवान ने अच्छा ना दिए, ऊपर से गोद भराई के फंक्शन में काली ड्रेस पहनकर आ गई. देख तो सही चुड़ैल लग रही है पूरी. अरे अरे झूला भी है. नव्या बेटा तूने तो बड़ा अच्छा डेकोरेशन करा है पूरे घर का. थैंक यू आंटी. अपने आप में 8वें अजूबे से कम थोड़ी ना है रेनू की गोद भराई, वो भी जी उम्र में. भाई वाह, बहू के सामने सास की गोद भराई होने वाली है. Excuse me, आप यहाँ क्या कर रहे हो? And you, तुम अपनी तैयारियां खुद ही एंजॉय करो, क्योंकि क्या है ना, तुम कितनी भी कोशिश कर लो ये गोद भराई होगी तो मेरी ही स्टाइल में. आप चलिए मेरे साथ, कुछ अर्जेंट काम है. मम्मी कैसा लगा? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया तैयारी की है अक्की तुमने तो. राजा की मंडी में आज तक किसी की गोद भराई में ऐसा ना हुआ होगा. ये सब कछु एकदम नया है इन सब के लिए भी, है ना? अरे ये क्या है? मॉमी टू बी. आई होप आप सब लोग जेलस फील नहीं कर रहे होंगे. मम्मी बैठिए आराम से. भाई भाई आराम से आराम से आराम. रेनू जी अपने हाथों से शैंपेन की बोतल खोलिए और स्टार्ट कीजिए सेलिब्रेशन. आदि हमें तुझे खोलना आवे ना है, तुम ही खट दो. ठीक है मम्मी. आपके लिए क्या और सरप्राइज है? म्यूजिक? या देख भाई नव्या, हम हैं देसी लोग, जे अंग्रेजी नाश्ता हमको हजम नहीं होता। हाँ हाँ, इतने सालों बाद भी तुम ना वहीं के वहीं रहो, ढाक के तीन पात, या बोले कि कुएं का मेंढक। कभी नया करने की कोशिश ना करो। अभी देखो कैसी नई नई आज के जमाने की चीजें मंगाई है अक्की ने। जे ना कि एक बार जे भी ट्राई कर ले, नहीं वो ही खाएंगे पुरानी चीजें। अक्की तुम चिंता ना करो, हम है ना, जो कछु भी करना है ना हमें बताओ, हमारी गोद भराई है, हम करेंगे। हाँ हाँ, और एक सरप्राइज है। देख रहे हो तुम्हारी मॉम क्या गेम खेल रही है तुम्हारे साथ, और तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे साथ है। खुद देख लो अपनी आंखों से, मुझे ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं है। पर सच तो ये है कि तुम अपनी माँ के प्यार में अंधे हो चुके हो। आदित्य, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है, नव्या के साथ है। देख रहे हो ना, सब कुछ कर रही है वो नव्या के लिए। नव्या ने क्या कहा था, ये बच्चा उसका है। देखा ना, उसने मेरी पार्टी खराब कर दी, मेरा केक गिरा दिया। और अभी दोनों सास बहू ने चुपके से कर ली एक दूसरे की गोद भराई। बंद करो ये तमाशा। आदि, तुम्हारी मॉम सिर्फ सबके सामने तुम्हारा साथ देने का नाटक कर रही है, पर हकीकत में वो नव्या को सपोर्ट कर रही है। ऐसा काहे बोल रही हो अक्की? क्या हो गया आदिश को? हो प्लीज, मैं आपके बेटे की तरह डम नहीं हूँ, सो मेरे सामने ये नाटक मत कीजिए। तमीज से बात करो माँ से, सुना तुमने? शट अप नव्या, ये मम्मी और मेरे बीच की बात है, तो तुम जितना दूर रहोगी उतना अच्छा होगा। मम्मी, अगर सचमुच आप अक्की के साथ हैं, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप इस नव्या के साथ नहीं हैं। ये आया नाटक में नया ट्विस्ट। फंस गई अब तो सासू माँ। हेलो सर, आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि ये सब हो रहा है सर, मैं बाद में आता हूँ। अरे नहीं 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 वकील साहब, आप गलत टाइम पे नहीं आए, बिल्कुल सही टाइम पे आइए आप। अशरफ, सबको खाना खिलाओ ना। आलोक जी, प्रीति, जरा थोड़ी मदद कर दो आप। आइए सब लोग, पहले खाना खा लीजिए आप। आइए आइए, हाथ जोड़ के विनती है, प्रसाद और भोजन ग्रहण करके जाइए, खाना खा लीजिए सब। काउंसलिंग? हमें काउंसलिंग की क्या जरूरत है? हे बंसी वाले, काश इस काउंसलिंग के जरिए ही आदि को जे एहसास हो जाए कि वो कितनी अच्छी पत्नी को खो रहा है। वकील साहब, जे काउंसलिंग वही होवे ना जहाँ पति पत्नी आमने सामने बैठ के अपने तलाक के कारण के बारे में बात करे हैं? जी मैम। हाँ, तो अब कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना आदि। बाहर है ना, क्या पैंतरा निकाला है अपनी बात मनवाने का, वो भी 10 दिन के अंदर। आपको लॉयर किसने बना दिया? काउंसलिंग की जरूरत तब होती है जब हस्बैंड वाइफ में से कोई एक डिवोर्स के लिए रेडी ना हो, पर इस केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सो काउंसलिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, मैं आप दोनों से एक बार फिर से ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि आप दोनों ये जो तलाक ले रहे हैं वो किसी के दबाव में ले रहे हैं या फिर अपनी अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से ले। ओके तो ठीक है, मैं अपने सारे पेपर्स रेडी करता हूँ सर, ताकि मैं उसे जज साहब के पास सबमिट कर सकूँ, ताकि ये कार्रवाई हम जल्दी से जल्दी पूरी कर सकें। वकील साहब एक मिनट। ये केस ना थोड़ा अलग है। यहाँ पे केवल पति पत्नी को अपनी शादी और तलाक के बारे में ना सोचना है, पर यहाँ पे बात एक बच्चे की भी है, और इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इनके तलाक के बाद ये बच्चा कहाँ और किसके पास रहेगा। देखिए मैम, अगर बच्चा छोटा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी कस्टडी माँ को ही जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बस आप जल्दी से इस डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स खत्म कीजिए, ताकि डिवोर्स के बाद कोई कंफ्यूजन या कॉम्प्लिकेशन ना हो। मैं लिखकर देने को भी रेडी हूँ कि डिवोर्स के बाद इस बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, है ना पापा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हम जीना ही चाहते। मत भूलिए कि बच्चे पर सबसे पहला अधिकार उसकी माँ का हुए है, और इसे हम जन्म देंगे, और इस बच्चे पर पैदा होने के बाद तलाक के बाद किसका अधिकार होगा, इसका फैसला हम करेंगे, कोई और नहीं। लेकिन मम्मी, पापा के एग्रीमेंट के हिसाब से तो तुम एग्रीमेंट की बात छोड़ो आदि, उसमें तो ये लिखा है कि आदि और नव्या को जो बच्चा मिलेगा इस बच्चे के जन्म के बाद। बच्चा आदि और नव्या दोनों का है, हम जानत हैं, लेकिन नव्या का तब तक है जब तक वो आदि की पत्नी है। जब पत्नी ना रहेगी तो फिर बच्चे पे उसका अधिकार कैसे रहेगा? ये आदि की मां चाहती क्या है? कहीं उसको मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? जब सिगरेट पी रही थी तो खांसी ना आ रही थी, अभी ये लुबान और मिर्ची के धुएं से तुम्हें बड़ी खांसी आ रही है। अरे हम तो कहते हैं इस धुएं को अच्छे से अंदर ले लो, फेफड़े भी सलामत रहेंगे और बुरी नजर से भी बची रहेंगे। ये सब क्या है? दूर दूर रखो मुझसे। अरे तो आंखें बंद करके ले लो। दूर रखो इसे। अरे दूर ही है। अरे मैं बोल रही हूँ हटाओ, मेरी आंखें चल रही है। क्या कर क्या रहे हो? हाँ हो ही गया। क्या बात है मम्मी जी, परेशान लग रही हैं आप? नहीं नहीं। आप कहें तो मैं कुछ मदद कर दूं? अब आलोक जी, आप आदि के मैनेजर हैं, उसका काम देखते हैं, का मदद करने का भी शौक है अब आपको, और अगर है तो एक काम कीजिए, आदि को उसकी जमीन वापस दिलवाने में मदद कीजिए। बाहर वाले आदमियों को आप संभाल लीजिए, ये तो घर का मामला है, हम ही देख लेंगे। लेकिन इसी बात है सासू, आपने आदेश कर दिया, मतलब समझ लो कि आपका काम हो गया। मैं देखता हूँ। ये बच्चे भी ना, जब देखो जब फोन फोन फोन, इनका बस चले ना तो पैदा होते ही सब बिल गेट्स बन जाए। क्या हो गया प्रीति? मम्मी मैं सच कह रही हूँ, जितना फोन और गैजेट्स के बारे में मुझे नहीं पता ना, उसे कहीं ज्यादा यश को पता है, और इस बात को लेके मैं प्राउड नहीं फील कर रही हूँ। ऐसे ही चलता रहा ना तो उसे बहुत जल्द चश्मा लग जाएगा। यश कहाँ है प्रीति? अरे वही पापा के रूम में अपना गैजेट टैबलेट लेके। आप क्या कर रहे हो? रहने दीजिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हाँ हम आते हैं। पता है रानी, आजकल हम लोग इंटरनेट पे किसी का भी नंबर ढूंढ के निकाल सकते हैं। कैसे? तो फिर हमको एक नंबर ढूंढ के बताओ। महेंद्र भारद्वाज लंदन। महेंद्र भारद्वाज लंदन कॉन्टैक्ट नंबर। रानी कितने नाम है इसमें से आप कैसे पता कर पाओगे? सबको ही फोन मिलाकर देख लेते हैं, शायद कोनो काम बन जाए। कोनो बात नहीं, रहने दो। तुम्हें जे गेम पसंद है ना तो लो, खेल लो, पर थोड़ी देरी खेलना, आँख खराब होती है। ठीक है? चला गया। यश खाना खाने चलो, नहीं तो ये टैब ना मैं पापा को दे दूंगी। अरे प्रीति काहे गुस्सा कर रही हो बच्चे पे बेकार में? तुम चलो, हम लेकर आते हैं इसे। चलो जाओ। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। चलो यश बेटा, रख दो अब टैब। चलो आ जाओ, रखो। अरे अब कौन आ गया? डंगूरनी कम आती का? साधु बुढ़िया, गलती से भी टच मत करना इसे। हमें खा लेना। अक्की कहीं बाहर जा रही हो तुम? मम्मी वो हम लोग बिजनेस ट्रिप में जा रहे हैं, जरूरी है जाना। वो मुंबई में एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग सेट हो गई है। मुझे जितना नुकसान हो उसको कवर तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए बस एक कोशिश करने जा रहे हैं। अक्की चलो। देख रही, जा रहा है तुम्हारा बेटा। अब जब तक ये वापस आएगा तब तक तुम्हारे 10 दिन खत्म हो चुके होंगे। क्या करोगी फिर? मैं ये सूटकेस भूल ही गया। आदि अब अक्की तो आजकल की लड़की है, कहीं भी अकेली आ जा सके है, तो तुम साथ काहे जा रहे हो? क्या जरूरत है? मम्मी क्यों नहीं जा सकती? जा सकती है, पर वो क्या है, अक्की ने मुझे बोला कि मैं भी साथ में चलूँ। आप तो जानती है घर का माहौल क्या है, कितना स्ट्रेस है, तो बस हमने डिसाइड किया कि कुछ समय हम साथ में बिता लेंगे। ठीक है मम्मी, लेट हो रहा हूँ, जल्दी। ठीक है की? क्या हो गया? ट्विस्ट हो गया। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अब मेरा टच भी नहीं पहचानती क्या? अच्छा लग रहा है तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखकर। लड़की पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी कि वो अच्छी या बुरी। बस तुमसे एक चीज कहना चाहती हूँ, पैसों के लालच में आकर या अपना कोई मतलब पूरा करने के लिए शादी मत करना, कि आजकल वैसे भी तुम्हें हर चीज मतलब के चश्मों के थ्रू ही दिखती है। क्यों? जलन हो रही है कि मैंने तुम्हारे प्यार को छीन लिया तुमसे। जैसे मैं पहले ही छोड़ चुकी हूँ, उसे तुम छीन कैसे सकती हो? और तुम जैसी लड़कियों से सच्चे प्यार को समझने की उम्मीद भी नहीं करती मैं। तुम दोनों को मुबारक हो ये प्यार, बहुत डिजर्व नहीं चाहता। चले। और हाँ, डॉक्टर की अगली अपॉइंटमेंट का ध्यान रखना, भूल मत जाना। हो सके तो फोन पे अलार्म लगा लो। ये भिंडी 50 रुपए, अरे कोई 40 नहीं देगा इसका, 30 रुपए दूंगा। वो देखो तुम्हारे होने वाले समधी जी। जी अक्की के पापा यहाँ सब्जी के ठेले पे क्या कर रहे हैं? हम देख कर आते हैं। अरे जाने की क्या जरूरत है रेनू? रेनू, रेनू 3 से मेरा काम चल जाएगा। ये टमाटर भी तो है। भाई साहब, ओह मिस्टर तिवारी आप। नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ सब्जियों की रेडी पे? वो क्या है ना कि इंडिया की वेजिटेबल्स कमाल। वैसे तिवारी जी आप बिल्कुल ठीक समय पे आए। वो क्या है ना कि थोड़ी सी कैश की प्रॉब्लम हो रही थी, अब पाउंड्स ये ले नहीं रहा और पर्स मैं घर पे बुलाया। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसे मैं दे देता हूँ जी। मैं गाड़ी से पर्स लेकर आता हूँ। थैंक यू थैंक यू। चलो भाई, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल भी वैसे बहुत ही आसान है, हमें लगता है इसमें कौनो चूक नहीं होगी। अक्की की माँ का नाम? नरोजी। बुरा मत मानना भाई साहब, पर एक बात पूछें आपसे, आपकी भी कोनो बीवी नंबर 2 थी का? नहीं, वो कहा है ना कि आपने और अक्की ने जो नाम लिखा है बिल्कुल ही अलग है। अक्की ने अपनी माँ का नाम लिखा है नीली माँ और आपने लिखा है गायत्री। चलिए कोनो बात नहीं अक्की, जाओ गुजिया बनाने की बारी तुम्हारी, तुम्हारी सजा। गुजिया? चलो गुजिया तो आते ही होंगे, बना लो बढ़िया बढ़िया गुजिया। क्या कर रही है बावली, इतना मसाला भरेगी तो कढ़ाई में डालते ही फूट जा रहा है। तो आदि बेटा, खेल में बेईमानी नहीं, वो हमारी टीम नहीं है, तुम उनकी तरफ नहीं हो, यहाँ बैठे रहो। अरे देखो देखो कोई हार रहा है। कोई और है और बेटी कोई और है। देखो जी, अब आप बर्थडे भूल जाओ वो तो चलता है ना, लेकिन बीवी का नाम भी, एक माँ का नाम अलग लिख रही है, बीवी का नाम अलग लिख रहे हैं, कमाल ही है उधर। राधे राधे। चलो अक्की अब तुम्हारी बारी, पूछो हमसे सवाल। ठीक है, सो आप ये बताइए कि आदि ने अपना पहला कदम कब रखा था? अक्की क्या सवाल है, मम्मी को थोड़ा याद होगा। मम्मी अब आदि को ये कैसे पता होगा कि वो पहली बार कब चला था, पर हम तो उसकी माँ हैं, अच्छे से याद है। 17 दिसंबर 1996 रात 8:30 बजे आदि ने अपना पहला कदम उठाया था। क्या बात है रेनू, बहुत अच्छे। सेकंड क्वेश्चन, आदि का फर्स्ट स्कूल? कमॉन अक्की, मम्मी को कैसे याद होगा? आदर्श पब्लिक स्कूल, सेक्टर नंबर 4, निर्मला नगर, आगरा। नाउ आदि के लिए क्वेश्चन। बोलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, मम्मी की फेवरेट डिश? मम्मी की फेवरेट डिश दही वड़े। बताइए मम्मी। तुमने लिखा है छोले और मम्मी ने लिखा है दही वड़े। आदि। सेकेंड क्वेश्चन। ठीक। मॉम का फेवरेट कलर? मम्मी का फेवरेट कलर, ऑब्वियसली पिंक। तुमने लिखा है ब्लू, मॉम ने लिखा है पिंक। मैंने कहा था जीत हमारी होगी। मामू चलो टब में डुबकी लगाओ। चलो आदि, अब गलत जवाब दिए हैं तो सजा तो मिलेगी, जा। ठीक है।